हेलो एवरीवन, CUET PG में आपका पेपर कोड है COQP 11, जिसके थ्रू आपके DU LLB और BHU LLB में एडमिशन होंगे 2023 में। अब देखो, COQP 11 में आपके जो टोटल सेक्शंस है वो 5 सेक्शंस हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, और इनको कवर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपके पास टाइम जो है 25 से 30 दिन का है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो होंगे वो 5 से लेकर 12 जून के बीच में कभी भी हो सकते हैं। बेसिक बात तो ये करें कि आपको एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 5 दिन का टाइम है, यानी कि 5 दिन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। अब देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जनरल एप्टीट्यूड का आपका सेक्शन है, यानी मैथ्स का जो सेक्शन है, उसको आप 5 दिन में किस तरह से कवर कर सकते हो। अब देखो, 5 दिन में पूरा सिलेबस कवर करवाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स जो कि करने में ईजी हैं, क्योंकि जिनके मैथ्स स्ट्रांग है वो तो 5 दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रांग है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स में बेसिक खराब है, या पहले उन्होंने मैथ्स जो है काफ़ी पहले पढ़ी थी, काफ़ी दिनों से मैथ्स उनको सॉल्व उन्होंने नहीं किए, तो उसके लिए 5 दिन में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप इजीली कवर कर सकते हैं, और उनमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादा आते हैं। तो इंपॉर्टेंस के बेसिस पे जो 5 दिन हैं, इसके अंदर मैंने जो टॉपिक्स इसको डिवाइड कर दिए हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने हैं, और वो टॉपिक हो जाए फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना है। ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है मैथ्स के पोर्शन को कवर करने के लिए। अब मैथ्स में से क्वेश्चन का आप कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो, 25 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये मान के चलो कि आपने मैथ्स का 50 से 60% भी सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया, तो इन 25 क्वेश्चन में से आप 18 से 19 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मैथ्स में ऐसे दिए हुए हैं जिनको करने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में उनके आने के चांसेस बिल्कुल ही जीरो हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो हैं। अगर दे देते हैं तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन जनरली उन टॉपिक्स से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखो, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, और 2022 की एग्जाम की बात करें, यानी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इन पर्टिकुलर टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे थे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। क्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड नंबर्स, एजेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया, और नंबर्स के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। LCM एंड SCF के ऊपर 1 क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, स्टॉक एंड शेयर से 2 क्वेश्चन। अब देखो, ये जो बैंकर डिस्काउंट है ना, ये जनरली बैंकर डिस्काउंट एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो इसको आप स्किप कर सकते हो टोटली। डिस्काउंट में से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में से 1 क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बाकी ये सारे जो आपके टॉपिक है, सेट्स एंड यूनियन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इनको आप स्किप कर सकते हो, जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। एरिया में से 2 क्वेश्चन पूछा गया, और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसमें से वॉल्यूम में से 1 क्वेश्चन पूछा गया, बाकी एरिया, सरफेस एरिया, इसके बाद मेंसुरेशन, ये सारे एक ही टॉपिक होते हैं, 3-3 जगह इसको मेंशन किया हुआ है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जिनमें से 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, CUET PG का जो एग्जामिनेशन है वो NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और NTA ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ CUET PG का एग्जाम लेता है, और भी बहुत सारे एग्जाम लेते हैं, CUET UG का एग्जाम होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो NTA के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब देखो, जो NTA का पैटर्न होता है वो एक सेट पैटर्न होता है, जनरली उसी टाइप के क्वेश्चन जो है हर एग्जामिनेशन में थोड़ा थोड़ा रिपीट करके आते हैं। तो 2022 में जो एग्जाम हुआ है आपका, और NTA का जनरल जो पैटर्न रहता है, उसके बेसिस पे कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आप आराम से कवर कर सकते हो, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, उसके बेसिस पे 5 दिन की स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने आपके लिए डिफाइन यहाँ पे कर दिया, वो मैंने आपके लिए बना दिया। देखो, Day 1 में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे जिनमें से क्वेश्चन भी आते हैं, और जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि जैसे परसेंटेज का टॉपिक है, ये आपने नहीं किया तो आपको पूरे मैथ में दिक्कत आने वाली है। तो Day 1 के अंदर आपको परसेंटेज कवर करना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, ये 4 टॉपिक आपको Day 1 के अंदर कवर करने पड़ेंगे। अब देखो, इन 4 टॉपिक्स को कवर करने में अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको 8 घंटे के आसपास का समय लग सकता है, 8 घंटे से ज़्यादा समय भी आपको लग सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स जो है काफ़ी लंबा सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें लगाना पड़ेगा, 4-5 घंटे पढ़ के आपको मैथ्स जो है कवर नहीं हो पाएगी 5 दिनों के अंदर। तो ये 4 टॉपिक जो है आपको Day 1 के अंदर कवर करने हैं। Day 2 के अंदर आपको कवर करना है टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 टॉपिक आपको Day 2 के अंदर कवर करने हैं। Day 3 में आपको कवर करना है एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर एंड ट्रेंड्स, ये कवर करना है आपको Day 3। अब देखो, Day 3 का जो है, Day 3 तक जो आपका सिलेबस है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको कवर करना ही करना है, इतना आपने कवर नहीं किया तो एग्जाम क्लियर करने के आपके चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है Day 3 तक, तो इतना तो आपको कवर करना ही करना पड़ेगा, इससे कम में आपका काम नहीं चल पाएगा। ऐसा भी नहीं करना, जैसे Day 3 डे वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना आपको 5 दिन तक सिर्फ मैथ ही पढ़ दो, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आपको फोकस करना है,
आप डे वन का कवर करो, उसके बाद कोशिश करो कि एक मॉक लगा लो। मॉक आपने लिए हुए तो उसके लगा सकते हो, हमारे लिए नहीं सकते तो वो भी आप ले सकते हो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एक मॉक जो है प्री भी अवेलेबल है तो कम से कम उसको तो लगा ही लो। तो डे वन आपने कवर किया, फिर एक मॉक दिया, फिर डे टू आपने कुछ दिनों बाद कवर किया तो फिर आपने मॉक टू दिया। तो इस तरह से जैसे जैसे आप एक एक दिन का सिलेबस कवर करते जाओगे, आप मॉक्स लगाते जाओगे और आप देखोगे कितनी आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, पिछले जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं क्या उनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से जो है आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत मेहनत जो है आपको इसमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। डे फोर में आपको कवर करना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब देखो इनके आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हर एक छोटे छोटे टॉपिक में 15-20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो इसके आप फॉर्मूले याद कर लो। बैंकर डिस्काउंट आपको स्किप कर देना है, डिस्काउंट आप कर सकते हो क्लॉक्स एंड कैलेंडर। टाइम बचे तो आप इसको कर लेना, ट्रिक्स वगैरह इसकी समझ लो। क्वेश्चन अगर आएगा तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और इसका सिंपल क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके जो मेथड्स हैं वो एक बार आप समझ लेना। अब देखो ये डे फोर हो गया, डे फोर तक आपको कवर करना है। मान लो डे फोर तक आप कवर नहीं कर पाते हो तो डे फाइव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डे फाइव को कम्प्लीटली स्किप कर देना। डे फोर मान लो आप कवर कर लेते हो, आपका मैथ्स का बैकग्राउंड ठीक था या आपका बेसिक बैकग्राउंड ठीक था, आपने मैथ्स कवर कर ली 4 दिन तक की, तो ही आपको डे फाइव पे जाना है। क्योंकि डे फाइव को आप कवर भी कर लोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 5% के आसपास फर्क पड़ेगा, क्योंकि तो आपके डे फाइव के अंदर जो बाकी टॉपिक्स हैं वो सारे हैं। जो बाकी मान लो कौन कौन से टॉपिक, जैसे आपका हो गया एलसीएम एचसीएफ, ये टॉपिक बच गया था। इसके अलावा पार्टनरशिप का टॉपिक बच गया, इसके अलावा बैंकर डिस्काउंट बच गया, सेट एंड यूनियन, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपको डे फाइव में कवर करने हैं। और ये सारे टॉपिक आपको तभी कवर करने हैं आपके डे फोर तक के कवर हो जाए उसके बाद, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को मिला के भी ना 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। तो इन 2 से 3 क्वेश्चन के लिए एलसीएम एचसीएफ आप फिर भी कर सकते हो, इसका बेसिक आप समझ सकते हो, लेकिन इन 2 से 3 क्वेश्चन को समझने करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इनको आप स्किप कर सकते हो। डे फोर तक आप कवर करो, मिनिमम डे थ्री तक कवर करो, इतना आप कवर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा मैथ्स के अंदर। अब कवर कैसे करना है तो ये बुक आप ले सकते हो, इसके अलावा कोई मैथ्स की बेसिक बुक 30 डेज वंडर वाली ले सकते हो आप, या कोई और भी ले सकते हो। ये अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, इसको भी आप ले सकते हो। इसमें क्या है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं और एक्सप्लेन टॉपिक को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है फिर क्वेश्चन दिया हुआ, तो इससे आप कर सकते हो। 30 डेज वाले लेना चाहो वो थोड़ी छोटी बुक है तो उसको भी आप कर सकते हो, जो आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोर्सेज वगैरह आपको लेने तो वो कोर्सेज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ये आपका कोर्स है। कोर्स के अंदर कवर क्या होगा, पूरा सिलेबस इसमें आपको कवर है। जैसे आप जाओगे यहाँ पे, एक तो ये कोर्स के बारे में पढ़ना है कि कोर्स के अंदर क्या क्या है, तो अबाउट दिस कोर्स के बारे में जाओगे तो आपको कोर्स की सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। इस कोर्स के अंदर 10 मॉक टेस्ट जो है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी वो अवेलेबल है, तो मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है इस कोर्स के अंदर। अब देखो कंटेंट सेक्शन में जैसे आप जाओगे, जैसे मान लो आपको मैथ्स कवर करनी है, जैसे मैथ्स के सेक्शन में हम गए तो यहाँ पे देखो डे यहाँ पे पहले स्ट्रेटेजी वीडियो दी हुई है कि आपको किस तरह से एक एक दिन में 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ेगी, किस तरह से टॉपिक्स आपको कवर करना है। फिर यहाँ पे डे वाइज जो है कंटेंट को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैथ्स को कवर कर सकते हो कोर्स के अंदर से, अपने आप कवर करना चाहते हो बुक से तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो। अब देखो कोर्स में आपको डिस्काउंट किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 2999 यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है, लेकिन आपको कूपन कोड यूज़ करना है यहाँ पे DULLB10, DULLB10 कूपन कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 2699 और 2699 में आप कोर्स को यहाँ पे ले सकते हो। मॉक टेस्ट लेना तो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको, वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, इस पर आप जाओगे। ये 1500 आपको प्राइस में दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन 1500 आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे कोड यूज़ करो DULLB2023, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 750 में आप जो टेस्ट सीरीज है उसको ले सकते हो। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो इसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे। बाकी कोर्स के बारे में यहाँ पे अबाउट दिस कोर्स सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। कोई और आपकी क्वेरी है तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। फॉर द टाइम बींग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।